The Daily Show with Muneer Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बिल आखिर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस बात का एहसास हुआ कि जो सैलाब में मुतासर लोग हैं, अब उनकी दादरसी की जाए। अब अपनी आपस की चपकलिश को छोड़ के पस पुश रख के पाकिस्तान की वो आवाम जो कि इस वक्त खुले आसमान तले बेयार और मददगार बैठी है, वो आवाम, वो मजलूम आवाम जो कि अपना सब कुछ खो बैठी है बारिश के पानी से, सैलाब के पानी से, जो कुछ तबाहकारियाँ हुई बिलखसूस सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के दीगर अजला की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हो रही हैं। लेकिन हो ये रहा था कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको इस बात की कोई फिक्र नजर ना आई और ये तबाही होने दी गई। इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? यकीनी तौर पे इसका तायुन तो होना चाहिए, क्योंकि ये तबाही किसी एक शख्स की या किसी एक रोज के नाकामी की जिम्मेदारी नहीं है इसके ऊपर, बल्कि ये सालों मुहित लंबी दास्तान है। ये तमाम तर कहानी शुरू होती है कि जब पाकिस्तान में करप्शन का बाजार गर्म होता है, जब पाकिस्तान में डैम्स बनाने के ऊपर सियासत की जाती है, कभी कहा जाता है ये डैम मेरा पानी रोक देगा, कभी कहा जाता है ये डैम मेरा पानी रोक देगा। हर कोई जब अपनी अपनी मर्जी मुताबिक, मन मुताबिक जब फैसले करता है तो इस तरह की सूरत हाल देखने में आती है। आज यही हुआ, तकरीबन 1000 से ज़ायद शहादतें हुई और ना जाने कितने रुपए मालियत का ये जो माल मवेशी लोगों के घर बार बह गए, ना जाने कितनी लोगों की दिली वाबस्ती की होगी इन तमाम तर चीज़ों से, जो अपने प्यारे चले गए, जो असरात उनके जहनों पे, उनके दिलों पे सदा के लिए नक्श हो गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसकी भरपाई आखिर दुनिया का कौन सा ऐसा माल है जो कर सकता है? आज अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी काबीना के हमरा या एक पूरे आप कह सकते हैं कॉन्वॉय के साथ इन तमाम तर इलाकों का दौरा किया और सिंध की तरफ जब उन्होंने रुख किया तो उनका क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। यहाँ पर मैंने जो इंतजाम देखे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, वो इंतहाई हौसला बख्श और इंतहाई तसली बख्श और शानदार हैं। उसके लिए मैं मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब को, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, और जनाब मेरे भाई शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध मौजूद हैं, और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो बड़े ऐसन तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यकीनन साथ जो हमारी जो इत्तेहादी पार्टियों के जो यहां पर शाह साहब मौजूद हैं और बाकी एमक्यूएम के साथी मौजूद हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जे यू आई के नुमाइंदे हैं, हम सब की एक मखलूत हुकूमत ये मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने अभी प्रेजेंटेशन दी है सखर बराज के ऊपर, जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जनाब वज़ीरे आला सिंध ने दी है, तो जो नुकसान बेअंदाज़ा नुकसान हुए हैं, बेअंदाज़ा, जिसका कोई तखमीना अगर मैं आज कहूँ तो वो शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने जो ये जो 10-10 लाख रुपया वफाक की तरफ दिए, 24,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो मुतासर ख़ानदान पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में और जनूबी पंजाब में, उनको हमने 24,000 रुपया वफाक की तरफ से जो बेस्ट जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मोहतरमा शहीद के नाम पर वो एक इदारा है, उनके ज़रिए एक बहुत ही शानदार और जामे इदारा, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी इनके पास डाटा है, इससे बेहतर कोई कॉन्ड्यूट हो नहीं सकता। तो इनके ज़रिए हमने 28 अरब रुपए की रकम हमने दे दी है बिस्प को, और वो बलूचिस्तान से स्टार्ट लिया, अब आज से सिंध में वो इसका इजरा कर रहे हैं। एक हफ़्ते का मैंने टाइम दिया है कि एक हफ़्ते में 28 अरब रुपए की आपने 25,000 रुपये फी कस आपने ख़ानदानों को पहुँचाना है, उन्होंने वादा किया है। जन साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी मैंने कमिटमेंट लिया और इंशाल्लाह ये हम हर जगह पहुँचाएँगे। मगर इसमें बहुत अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है, सिंध के अंदर जो तूफ़ानी बारिशों जो तबाही हुई है, इसमें अब वो कितना जाके 28 अरब से कितना बढ़ेगा, ये अब जब हम तखमीना लगा के जब हम बाकी मानदा जो ख़ानदानों को शरीक करेंगे तो उसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वफाक मिलकर इंशाल्लाह हम इस काम को हम मंतकी इंजाम तक
अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से पहुँचाएंगे, शफाफ तरीके से, इंतहाई शफाफ तरीके से। आज पूरी कौम की नज़रें आपकी तरफ लगी हैं। NDMA ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मॉस्किटोज का, मॉस्किटो नेट्स का इंतज़ाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख मॉस्किटो नेट्स हम सिंध हुकूमत के हवाले कर रहे हैं और 5 लाख हम अपने बलूचिस्तान की हुकूमत के उनके हवाले कर रहे हैं। 100 टन हमें गिफ्ट मिला है, तोहफा मिला है, और मैं नाम बताना चाहिए उसका, नेस्ले ने 100 टन ये गिफ्ट किया है, 80 टन ये गिफ्ट ये सिंध को जा रहा है, और 20 टन गिफ्ट जो है पानी का हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, KP की और पंजाब की दिन रात काम करेंगे, हम मिलकर हाथ बटाएंगे, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से दूर हमें निकाल देगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगु कर रहे थे और जो कुछ उन्होंने फरमाया वो भी आपने सुना। और इस वक्त इस मौके पे शहबाज शरीफ साहब महज अकेले नहीं थे, उनका साथ देने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब की आमद को खूब सराहा और बेनजीर इनकम सपोर्ट की मद से जो तमाम ट्रांजेक्शन हैं इसके होने की ना सिर्फ यकीन दहानी करवाई बल्कि बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो चैनल है उसको मजीद वसी करने का भी दावा किया। क्या कह रहे थे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारा इस मुश्किल वक्त में जब पूरा सुबह हमारा इन मानसून के बारिशों की वजह से सैलाब से मुतासर है, आप यहाँ पहुँचे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो नुकसान आप देख रहे हो, मैंने तो अपना ज़िंदगी भी इतना नुकसान, इतना तबाही कभी नहीं देखा है। जो हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब से ब्रिटिशर्स हमारे रिकॉर्ड्स रख रहे थे बारिशों के, इससे ज़्यादा कभी नुकसान नहीं हुआ है। ना सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है, लोगों का घर को नुकसान हुआ है, शहरों को नुकसान हुए हैं, तो देहातों को नुकसान हुआ है। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ऐलान किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हम सैलाब के मुतासरीन को, मानसून के मुतासरीन को इमदाद पहुंचा रहे हैं। जितना भी जल्दी ये सिलसिला शुरू हो जाए इंशाल्लाह ताला उतना ही बेहतर होगा। जैसे आपको मालूम है कि सिंध में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में और अब पख्तूनख्वा में भी ये सैलाब का सिलसिला चल रहा है। ये पूरा पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान है। हम आपके इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करते हैं कि ये सियासत की नहीं, खिदमत का टाइम आ गया है और हम सब के लिए एक इम्तिहान है कि पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें को एक होकर इस मुश्किल का मुकाबला करना पड़ेगा, ताकि हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने अवाम का रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का सोच सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में वो सिंध आए हैं और उन्होंने अपने आँखों से तकलीफ़ देखी है जो लोगों को इस वक्त हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाक के साथ मिलके हम इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में सबकी रहनुमाई के साथ, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये अपील है और ख़ास तौर पर मैंने कल भी कहा था, मीडिया से अपील है कि आप भले सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करें लेकिन इधर आएँ और लोगों की हालत देखें, ताकि हमें इंटरनेशनल मदद भी मिल सके। हमें इस वक्त इक्विपमेंट की सख्त ज़रूरत है, वो इक्विपमेंट जिसमें टेंट्स, जैसे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा, टेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मॉस्किटो नेट्स और राशंस, जो भी मदद कर सकता है। मैं मुखियर हजरात से, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे कहूँगा कि इस वक्त खुद आएँ और लोगों की मदद करें। तो आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और तमाम तर गुफ्तगू सुन के जहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये तमाम तर गुफ्तगू महज सुनने के लिए अच्छी है, समझने के लिए अच्छी है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई अमली इकदाम होता हुआ नजर आएगा? जबकि दूसरी जानब अगर हम वजीर आला सिंध की बात सुने और उन्होंने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू का अगर एक कष्ट लिया जाए तो इसमें यही बात समझ आती है, यही चीज़ निकल के आती है कि उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो आलमी सतह से उनको इमदाद आनी चाहिए, जो इमदाद है
उसके दरवाजे खोले जाने चाहिए और ये पाकिस्तान की लोकल सतह से भी लोग जो दर जो जो अपने मदद आप जो तमाम एक्टिविटीज करें वो भी कलेक्टिव होकर अगर इस तमाम सूरत हाल को ऐड करें तो ये बेहतर अमल हो सकता है। दूसरी जानब खान साहब ने भी आज टांग का रुख किया और वहाँ भी जो सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ हैं उसके ऊपर गहरी नज़र डाली और तमाम तर सूरत हाल के बाद जहाँ पे तनकीद की जा रही तमाम तर पॉलिटिकल लीडरशिप को कि जलसे जुलूस करने के लिए अपने जाती टूर्स करने के लिए तमाम तर पॉलिटिकल लीडरशिप के पास टाइम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घंटों बैठ के एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के लिए इस लीडरशिप के पास टाइम है, तो फिर क्यों आम आवाम के लिए इस लीडरशिप के पास टाइम नहीं, क्यों आम आवाम के दरमियान आज ये सियासी रहनुमा सियासी कायदीन मौजूद नहीं है जिसकी आज कुछ हद तक भरपाई करने की कोशिश की गई, लेकिन दरअसल सूरत हाल तब वाजे होगी जब अमली इकदाम होते हुए नजर आएंगे। इस वक्त तक जो कुछ कहा जा रहा है चाहे वो सुबह सिंध की सतह पर हो पंजाब की बलूचिस्तान की महज दावे हैं, खोखली बातें हैं और इसके अलावा कुछ और नहीं। ये जो पैसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आएगा या ये जो एड आएगी क्या ये सही तौर पे लोगों तक पहुंचेगी या नहीं, ये अगेन एक और बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो साहब ज्वाइन करें जनाब अनवार शेख साहब सीनियर साहब भी जर्नलिस्ट हैं और खुद तमाम तर जमीनी हकाइक को देखते हुए आए हैं, परखते हुए आए हैं, वहाँ की सूरत हाल से बहुत हद तक आगाह भी हैं। जरा इनसे जानते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है और अब सिचुएशन कैसे नजर आ रही है। अनवार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवार साहब दुख की घड़ी है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तानी लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारी सियासी अशराफिया आज कहने को तो फोटो शूट करा के आ चुकी है, दिल को दिलासा देने के लिए काफ़ी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल जानता है। मुनीर साहब, मैं जो मंजर देख के आया हूँ सिंध का, एक कयामत से कम नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो जलजला आया था वो तो पुराना हमारा जो पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद अगर कोई कयामत पाकिस्तान के अंदर आई है ये एक बहुत बड़ा सानिया है, ये मैं ये समझता हूं। और आप यकीन करें वो तबाही वो बर्बादी है आप तस्वर भी नहीं कर सकते, आपकी सोचों में भी नहीं है। बिल्कुल समझ लें कि आप जनूबी पंजाब जो है जो राजनपुर से और आप ठट्टा तक आ जाएं तो आप देखेंगे, बस मैं ये समझता हूं कि तबाही तबाही है, बर्बादी बर्बादी। लेकिन मैं बड़ा ताजुब कर रहा हूं कि हुक्मरान जो है वो कोई बड़ा कोई एक्शन ले ही नहीं रहे, किसी किस्म का कोई बड़े इकदाम नहीं कर रहे। कल उन्होंने इजलास किया है शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब, और ये इजलास हुआ इसके मनाज़िर चल भी रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे हैं, पूरी कैबिनेट बैठी है। इतनी देर के बाद, इतनी सिसकियों के बाद, इतनी आहों के बाद लोग ज़ारो क़तार रो रहे थे, लोग बिलबिला रहे थे और पुकार रहे थे, रब की तरफ देख रहे थे, इतनी हाय सिसकियां मैं नहीं देख पा रहा। मेरा तो यकीन करे कलेजा फट गया जो मंजर मैंने वहां देखे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कयामत सी आ गई है। और पानी तबाही तबाही तबाही, मैं कहता हूं लाखों मेरे हिसाब से जो ठट्टा से लेके हैदराबाद से लेके जो शहजादपुर नवाबशाह ये तमाम सिंध के जो एरिए, कई कई मील तो आप यकीन करें जब मैं सड़क पर चल रहा था कई कई मील तक तो सड़क ही गायब हो गई, वजूद ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। और मुनीर साहब वो हालात हैं मैं बयान नहीं कर सकता आपको कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, अफरा तफरी का आलम है। और जो हमारी एनजीओस काम कर रही हैं जिसमें जेडीसी है, ईडी के रेस्क्यू है और ये लोग सब वहां जो भी लेके पहुंच रहे हैं खाना, वो खाना लेके पहुंचते हैं सड़क किनारे हजारों लोग बैठे हुए और वो खाना उनको दे देते हैं और बस वो जो खा पी लेते हैं, ऊपर बारिश है और जो रेस्क्यू के दारे हमारे काम कर रहे हैं वो उनको खाना पहुंचा रहे हैं। आप यकीन करें कि मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे जो मैं वहां का मंजर देख रहा था और कोई पुरसाने हाल नहीं था। हकूमत की कहीं मुझे रिट या रेस्ट कहीं हकूमत के मामलात मुझे जो है वो कहीं नजर नहीं आए। जब मैं कराची से निकला ठट्टा से जब मैं आगे की तरफ बढ़ा हूं हैदराबाद और तमाम जगहों पर, तो आप यकीन करें मैं बयान नहीं कर सकता वो हालात। अच्छा अनवार साहब, ये जो सूरत हाल है आपने कहा कि जो इकदाम तो उठाने चाहिए वो उठाए नहीं जा रहे, अगर मैं इस वक्त हुकूमत की बात करूँ, हुकूमत का किरदार तो माँ का होता है, हुकूमत का किरदार तो एक ऐसी रियासत का होता है जिसकी नज़र में हर कोई बराबर होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने बिल आखिर सिंध का दौरा किया और खुशाइन बात है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या ये बहुत देर नहीं कर दी,
क्या ये इंतजार नहीं किया गया कि बारिशों में लोग लुटते रहें, पिटते रहें, शायद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती, शायद वहां से लोगों को बर वक्त इतला दे के नकल मकानी कर दी जाती, तो ये हजार जाने गालबन जो तकमीना आ रहा है इस वक्त कमोबेश ये ना जाती, नुकसान माली हो जाता, लेकिन जाने नुकसान तो कम किया जा सकता था। मैं आपको मुनीर साहब बयान नहीं कर सकता, जब मैं सक्कर वाले रोड के ऊपर तमाम जो हालात देखे हैं मैंने, आप यकीन करें कि वो बेयार मददगार पड़े हुए थे, और बारिश तूफानी कयामत का मंजर बारिश का, और आप यकीन करें जो हालात थे वहां के, मैं नहीं समझता कि मुझे तो कहीं हुकूमत, ये तो जो एनजीओस काम कर रही थी यही नजर आई है मुझे, उनको खाना देते हुए, उनको खुराक, उनको टेंट देते हुए और जो भी मामलात थे, लेकिन मुझे कहीं कोई चीज नजर नहीं आई, और तबाही तबाही चल रहा था, और पानी इतना था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, जितना यानी कद जो इंसान का उससे कम समझ ले, तकरीबन कोई 4 फीट के करीब पानी था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई डैम टूट गया या कोई पतली बड़ा कोई ऐसा सैलाब, ऐसा मंजर आ गया है, कयामत सुगरा थी सर, नाकाबले बयान वाकया। आप यकीनी तौर पे हम सबके लिए इस वक्त दुख का मंजर है, गम का मंजर है, और ये बहुत बड़ा सानिया है, मैं इसको बहुत बड़ा सानिया कहता हूं, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं, और इसमें इंफरादी तौर पे, इज्तमाई तौर पे बहसियत कौम हम जो कुछ कर सकते हैं हमें करना होगा, वक्त कम है, बहुत वक्त कम है, लोग इस वक्त हर एक लम्हा हमारे मुंतजर हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई आए उन्हें उस दलदल से निकाले, कब कोई उनकी तरफ हाथ बढ़ाए, कब कोई उनकी दादरसी करे, कब कोई उनको उन तक इमदाद पहुंचाए, वहाँ पे छोटे बच्चे, वहाँ पे माएँ, वहाँ पे बुज़ुर्ग हमारे बहुत परेशानी का आलम है, और साथ में जो वबाई अमराज इस वक्त फूट रहे हैं उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अनवर साहब ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ये मनाजिर आपने जो देखे, ये जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे होंगे वक्तन फवक्तन, यकीनी तौर पे ये जो मनाजिर हैं ये पाकिस्तान के हैं, और ये पाकिस्तान के उस पसमानदा इलाके के हैं जहाँ पे पहले से वसाइल की कमी थी, जहाँ पे पहले भी वो जो हालात थे वो इतने ज्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन आज अगर मैं बात करूँ तो शायद कुछ नहीं बचा, बादशाह भी फकीर हो गए, और वहाँ पे जो गिने चुने अफराद जो ज़िंदगी बेहतर अंदाज से गुजार भी रहे थे, आज वो यकीनी तौर पे उस पसमानदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अगर मैं सिंध के अंदरूनी इलाकों की बात करूँ तो वहाँ पे तो हालात यकीनी तौर पे ख़राब है, लेकिन सिंध के जो कहने को तो शहरी इलाके हैं, हालात वहाँ भी अच्छे नहीं हैं। इंटीरियर सिंध में क्या सूरत हाल है, और वहाँ पे अवाम किस नज़र से मौजूदा हुक्मरानों पे जो दौरा है उसको देख रही है, इस सवाल से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें जनाब अमीर मोहम्मद साहब, लोकल वहाँ के सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम तर मामला से आगाह हैं। ज़रा अमीर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अमीर साहब बड़ा दुख का मामला है, बड़े अफसोसनाक मनाजिर, खौफनाक मनाजिर, इबरतनाक मनाजिर देखे जा रहे हैं। जी साहब बात यह है कि जी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी अमीर साहब, आ रही है। देखिए मनी साहब, बारिशों का सिलसिला तो हर साल ही आता है जी, और उन बारिशों के नतीजे में कम या ज्यादा सैलाबी रहने भी जरूर आते हैं। 2010 और 2014 के अगर आप देखें तो बदतरीन सैलाब आए थे, उन बदतरीन सैलाबों के बाद मुल्क भर में ये जो मौजूदा सैलाब आया है इसकी शिद्दत और तबाहकारियां बहुत ज्यादा हुई हैं, खास तौर पर बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ जिला में शदीद तबाहकारियां हुई हैं। आज वजीर आलम शहबाज शरीफ ने सिंध के दौरे का आगाज करते हुए सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज देने का ऐलान किया, और ये इमदाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए वो कहते हैं सैलाब जदगान को दी जाएगी। इससे कबल वजीर आलम शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन को
जिनके घर बार और मवेशी सब तबाह हो गए हैं सैलाब के नतीजे में, उन्हें 25,000 रुपए फी घर इमदाद देने का ऐलान किया था, जो कि नहायत ही मजे का खैर ऐलान नजर आता है। मौजूदा महंगाई के दौर में जबकि महंगाई की शरह 41% ज्यादा हुई है, आप सोचें ऐसे में एक तबाहशुदा खानदान 25,000 रुपए में अपने घर को किस तरह से मैनेज कर सकता है। तो अमीर साहब, ये नहीं होना चाहिए था कि हुकूमत मुख्तसर वक्त के लिए पनाह गाहें कायम कर देती, वहां पे खेमा बस्तियां बना देती, या इस तरह से कुछ इकदाम किए जाते कि उनकी जो जमीनें हैं जिसके ऊपर अभी पानी खड़ा है और ना जाने पानी कितने अरसे खड़ा रहे, उसकी निकासी के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए कोई इकदाम करती? जी, ये बड़े दुख और अफसोस की बात है मुनीर साहब के हमारी सिविल इंतजामिया डिजास्टर प्लानिंग प्रॉपर तौर पर नहीं करती। उन्हें इल्म होता है कि मानसून का सीजन हर साल आता है और इम्कानी तौर पर सैलाबी रेले भी आ सकते हैं कम या ज्यादा, तो हमारी इंतजामिया ना तो इसके लिए कोई बजट मुख्तस करती है। आप देखें, अगर मिलिट्री के इदारे और एनजीओ सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू ना करें और उन्हें राशन और खेमों की सूरत में इमदाद ना पहुंचाएं, तो मेरा ख्याल है कि मुतासरीन मजीद तबाही से दो चार होंगे। कल ही जब आप देखें सिंध हुकूमत ने विफाक से खेमे फराहम करने की अपील की है, उनके पास खेमे नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तो उन्होंने विफाक से कहा है कि आप हमें खेमे पहुंचाएं। डिस्ट्रिक्ट दादू खासतौर पर और सांगड़ में लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, औरतें और बच्चे परेशानियों से दो चार हैं, अलमनाक मनाजर देखने में आते हैं। ऐसे में उन मुतासरीन के लिए खुराक और खेमों का इंतजाम करना सिंध हुकूमत की अवलिन तरजीह होना चाहिए थी। अभी चंद रोज कबल आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध सैयद भरत शाह ने दौरा दवाओं और खुराक की अदम फरहमी के बाद उनसे शिकायत करते थे, वो सूबा इंतजामिया से नाराज और भज्जन नजर आ रहे थे, जबकि लारकाना भुट्टो खानदान का आबाई इलाका है, वहां यह सूरत हाल है, तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा हम अंदाजा कर सकते हैं। सही अंदरून अमीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अनवार साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अमीर साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ हालात बहुत खराब हैं, लेकिन आप ये सोचें कि हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हैं, लेकिन अब जाके हमारे मौजूदा हुक्मरानों को कुछ होश आया, और अभी भी एग्जीक्यूशन में कितना वक्त दरकार होगा ये कहना कबल वक्त होगा। और अफसोस की बात यह है कि चाइना से इमदादी सामान ऑलरेडी पहुँच चुका है, उन्होंने अपनी सैटेलाइट के जरिए जो मनाजर देखे वो इतने खौफनाक थे कि उन्होंने ना किसी लम्हे की परवाह किए बगैर फौरन से तमाम तरह इमदादी सामान वहां से भेजना शुरू कर दिया, और दुनिया भर से सिलसिला जारी। लेकिन हमारे अपने हुक्मरान कभी नैब के मामलात, कभी एक दूसरे को की पगड़ियां उछालने से फारिग नहीं होते। सर, ये क्या माजरा है? देखे मुनीर साहब, मसला ये है, उन्हें आवाम का, आवाम के दुख का, आवाम की तकलीफों का कोई एहसास नहीं। उन्हें अपने इक्तदार की जंग चाहिए, इक्तदार की दोनों तरफ से जंग हो रही है। इमरान खान साहब अपनी जगह लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह लगे हुए हैं, और वो तबाही, जो बर्बादी जो दुनिया देख रही है, ये बाइस शर्म की बात है हमारे लिए कि दुनिया हमारी हेल्प करने के लिए खुद पहुंच गई है और यहां के हुक्मरान जो है वो आपस की इक्तदार की जंगों में लगे हुए हैं। ये बाइस शर्म की बात है हमारे लिए। ये सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को कि ये रेस्क्यू का वक्त है, ये आपस के अख्तलाफात। अभी हमने अपने चैनल विनस टीवी के ऊपर हमने अपील की है कि खुदाया आपस की अख्तलाफात खत्म कर दे। मैंने किए कि आप खत्म कर दें, और वो लोग, लाखों लोग आपकी मदद के मुंतजिर हैं और उनकी हेल्प करें, वो देख रहे हैं ऊपर अल्लाह और नीचे आपकी तरफ देख रहे हैं, खुदाया उनकी तरफ बढ़े। लेकिन अनवार साहब, एक सवाल पूछूं आपसे, मैं ये चाहूंगा इसका बाद अमीर साहब इसका जवाब दें। सिंध में जो सैलाब से जो सूरत हाल है यकीन तौर पर बहुत खराब है, लेकिन आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी को इस बात का शायद वो नजर भी नहीं आता खौफ के कल को कोई आवाम उनको मुस्तरद कर देगी। इस वक्त कहने के लिए पीपल्स पार्टी के पास अगर कहीं हुक्मरानी है तो सिंध है, और पंजाब इस वक्त जा चुका, KPK में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं, बलूचिस्तान में उनकी SH कोई प्रेजेंस नहीं, लेकिन सिंध अगर एक सूबा जिसके ऊपर तकरीबन 15-20 साल से वो हुक्मरानी कर रहे हैं
उसका ये हाल है और उसकी भी आवाम की भी आज उनको फिक्र नहीं है, तो फिर सवाल तो उठेगा ना मुनीर साहब। मसला ये है कि वो तो सत्तू पी के सो रहे हैं इस वक्त, उन्हें उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी हुई है, उन्हें कोई अंदाजा नहीं। आज बिलाल साहब यही कह रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी, बिलावल देख लेते पहले भी हो चुकी है। आप यकीन करें मुनीर साहब, बिलावल साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी सिंध में होगी, वो खुद मीडिया में आके कह रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। बिलावल जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी खुद एतराफ कर रहा है अपनी नाकामी का कि मुझे नहीं पता इतनी बड़ी तबाही हुई है। मुझे नीचे बताया गया। मैं अमीर साहब आपकी तरफ आता हूँ, जरा मुझे बताएं, ये सवाल आपके लिए भी है कि सर सिंध में कितने सालों से हुक्मरानी है, लेकिन सूरत हाल फिर वही। और आपने जैसे कहा ना कि तीन साल पहले भी सैलाब आया था, उससे पहले भी सैलाब आया था, उससे पहले भी आता रहा, और ये पिछले इतने अदवार में जो हुकूमत है वो सिंध की है, सिंध में हुकूमत जाने का कोई खौफ नहीं, आवाम की नाराजगी का कोई खौफ नहीं सर पीपल्स पार्टी के इस वक्त। जी बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है मनीष साहब। अभी देखिए लाड़काना का जब दौरा किया चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आला सिंध के साथ, तो एक मौके पर इतना घेर लिया था वो उनकी गाड़ी को आम लोगों ने, वो बड़े मुश्ताइल नजर आ रहे थे, तो वो गाड़ी से मौतूफ नीचे नहीं उतरे, और वजीर आला मुराद अली शाह ने नीचे गाड़ी से उतर के आम लोगों को तसल्ली दी, समझाया, उनसे कहा कि भाई वजीर आजम ने आपसे वादा किया है 25,000 रुपए देने का, वो आपको दे देंगे। तो बस ये 25,000 रुपए उन्हें बहुत बड़ी रकम दिखाई दे रही थी उस मौके सर। वो आप अमीर साहब माजरत कता कलामी की, जिन गाड़ियों में वो जो पूरा काफिला सफर कर रहा था उस गाड़ियों की जो कीमत देख के, उनका जो शान शौकत देख के, वहां पे जो लोग परेशानी में मुब्तला थे उनके दिलों पे क्या गुजरी होगी जरा ये बता दें आप। जी बिल्कुल, आम लोग जो जिस कैफियत से दो चार थे, मैं समझता हूं कि अगर ये कैफियत ज्यादा नहीं कुछ रोज और बरकरार रही तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मुतासिर भी हो सकता है। अगर पीपल्स पार्टी को ये जोम है कि हमारी कई दहाइयों से यहाँ सिंध में हुक्मरानी रही है, तो हमारा वही वोट बैंक अब भी होगा, तो शायद वो कुछ फहमी में मुब्तला है, क्योंकि जिस तरह पानी खड़ा है और जिस तरह वो अपने बच्चों को, अपने खवातीन को खुले आसमान तले रोते हुए चीखते हुए देख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो आप ऐसी हुकूमत से खुश होंगे। कम अज कम इंसानियत का जज्बा तो होना ही चाहिए। आप देखें कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अरबपति नहीं खरबपति लोग हैं, तभी नहीं ये ऐलान हुआ कि उन्होंने अपनी जेब से किसी को एक आटे का थैला या एक खैमा फराम करने का ऐलान किया हो। वो सिर्फ ये विफाक से ऐलान और अपील कर देते हैं कि भाई हमें खैमे भेज दें, एनजीओ हमें आटे और राशन के थैले दे दें तो हम तकसीम कर देंगे। तो क्या ये इस काबिल भी नहीं कि कुछ खैमे और कुछ राशन के थैले उनको तकसीम कर सके? अभी तक आपने ऐसा कोई ऐलान नहीं सुना होगा कि किसी मिनिस्टर ने या किसी आला अहदेदार ने यह ऐलान किया हो कि मैं अपनी जेब से सहवन को, दादू को, लाड़काना को, या वो तो बैरूनी इमदाद मांग रहे हैं अमीर साहब। आप तो अपनी जेब की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बैरूनी इमदाद दें, बाहर से फंड्स आए ताकि हम ये फंड्स का इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल कैसे होता है वो आप बखूबी जानते हैं। अमित साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूं, अनवर साहब आपकी तरफ भी आता हूं, लेकिन ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान भर में, जो सैलाब से होने वाली तबाहकारियां हैं उनका, और अगर बात की जाए तो सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। इसका दायराकार इतना वसी हो चुका है कि अगर इसके हवाले से बात की जाए और जितनी की जाए वो यकीनी तौर पर कम है इस वक्त। आज बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे हुक्मरान जिस तरीके से अमीर साहब कह रहे हैं कि अरबों पति हैं, करोड़ों पति हैं, और अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में अपने शानदार से क्लफ वाले कपड़े पहन के, साफ सुथरे अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहन के जब ये आवाम के दरमियान उतरते हैं
तो ये कहते हैं कि हमें बैरूनी इमदाद दी जाए, ये खुद क्यों नहीं इमदाद करते, ये खुद क्यों नहीं आगे बढ़ते और ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के इस फंड में इतना पैसा दिया है जिसको खर्च किया जाए, ये खुद अपनी जेब से क्यों नहीं ये सारे मामलात करते हैं। तो तमाम तर लोग माशाल्लाह बड़े बड़े घरों में महलात में रहते हैं, बड़ी बड़ी घड़ियों में घूमते हैं, लेकिन ये काम नहीं हुआ। और मैं इस बात सिंध की नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं केपीके की बात कर रहा हूँ। ये तमाम तर लोग इस वक्त महज इस बात के मुंतजर हैं कि बैरूनी इमदाद कब आएगी और कैसे आएगी। अनवर साहब, मैं आपसे जरा जवाब चाहूंगा, फिर मैं अमीर साहब के पास जाऊंगा। जी मनीष साहब, मसला ये है, ये हमारे जो हुक्मरान हैं, मेरी समझ से बालातर है। इतनी बड़ी कयामत आ गई, यहां पूरा सिंध, जनूबी पंजाब सब बह गया, बर्बाद हो गया, मैं तो लफ्ज कहता हूं तबाह हो गया। लेकिन हुक्मरान अब निकले हैं, अब जागे हैं और अब मायना कर रहे हैं सारे सब सोचों में कि ये हो गया। मेरी समझ से बालातर है, ये लोग कर क्या रहे हैं, अब तक रेस्क्यू नहीं कर रहे। मैं एनजीओ को सलाम पेश करता हूं, जो जितनी एनजीओ काम कर रही है, ईडी वाले, जीडीए जो है अपना जीडीसी वो काम कर रही है, मैंने उनको खुद देखा वहां पर काम, सैलानी काम कर रही है और बहुत सारी मतलब फौज। मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान आर्मी को और आर्मी चीफ को, आप यकीन करें मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं कि वो वहां पर रेस्क्यू का अमल, मैंने तो कल चैनल पे भी हमने अपील की है तमाम एनजीओ से कि वो आगे बढ़े। सबसे ज्यादा जो काम कर रही है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी, असल में तो जो ग्राउंड में है, ग्राउंड पे काम कर रही है पाकिस्तान की फौज है, वो लोगों को रेस्क्यू कर रही है, वो लोगों को सैलाब से बचा रही है, वो लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचा रही है, वो असल में प्रैक्टिकली काम कर रही है। हुकूमत तो मुझे कहीं नजर नहीं है। अमीर साहब आपका क्या कमेंट होगा इसके ऊपर कि हुकूमत का जो दारोमदार है वो गालबन बैरून इमदाद के ऊपर है, ना के अपनी खुद कर अपने आप से ये कुछ एड ऑन कर सकते। गालबन अमीर साहब की लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अनवर साहब एक सेकंड, अगर अनवर साहब आप बात करें। सर मैं हुक्मरानों से एक बात करना चाहता हूं, उन्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता देना चाहता हूं कि वो आगे बढ़े, आपस के तमाम इख्तलाफात खत्म करें और इस रेस्क्यू अमल में और जल्द तेजी लाए और ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। देखें बहुत बहुत बड़ी तबाही हुई है। सर मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, माजत के साथ, जलसे करने हो, जुलूस करने हो, रैलियां करनी हो, लॉन्ग मार्चेस करने हो, इन तमाम तर जमातों के पास करोड़ों का फंड है। क्यों नहीं लग रहा, चैनल में बैठ के कह रहा हूं। अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अमीर साहब कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। जी अमीर साहब, सवाल आपको पूछा था मैंने कि क्यों ये हमारे हुक्मरान ये अपनी जेब से नहीं करना चाहते, अपने अपने करोड़ों अरबों रुपए के असासे, अपने बिलावल हाउसेस, अपने जमान पार्क, अपने अपने महलात, अपने जाती उमरा वो देखें, इनकी गाड़ियां देखें और फिर ये तवक्कु करते हैं कि बाहर के लोग आए और वो इमदाद करें। सर काम तो यहां से शुरू होना चाहिए था। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल पॉइंट आउट किया है। इस सिलसिले में एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पाकिस्तान आर्मी, जिस पर बिलाशुबा पूरी पाकिस्तानी कौम को नाज है, फखर है, इसके जवान अगर शराब मुतासरीन को रेस्क्यू ना करें और एनजीओ के इदारे और खासतौर पर ईदी और सैलानी जैसे लिफाही काम करने वाले इदारे उन्हें राशन ना पहुंचाएं, खेमे ना पहुंचाएं, फर्ज कर लीजिए ये काम नहीं करते और इस पर सिविल इंतजामिया पर मामला को छोड़ दिया जाता है तो आम आदमी तो बेचारा भूख से और पानी से मर जाएगा दुख के, क्योंकि इनके पास तो इंतजाम है ही नहीं। ये तो सिर्फ जायजे लेते हैं और विफाक सुबह से कहता है, सुबह विफाक से अपील करता है और फिर ये सब मिलके बैरूनी इमदाद को हासिल करने के लिए अपीलें करते हैं इंटरनेशनल लेवल। और सर ये बैरूनी इमदाद के साथ होता क्या है ये आप भी बखूबी जानते हैं। जी बैरूनी इमदाद इनको ये सब हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है। बैरूनी इमदाद सूबाई इंतजामिया को और विभागीय इंतजामिया को मौसूल होती है तो वो डीसी की सतह पर ये इमदाद नीचे ट्रांसफर करते हैं और फिर वो गोदामों में पड़ी पड़ी सड़ती जाती है। हाँ सिर्फ क्या दिया है सिंध हुकूमत ने मुतासर इलाकों को 30-30 लाख रुपए फीस दिला, पर डिस्ट्रिक्ट 30-30 लाख रुपए डीसी को दिए गए हैं कि
अच्छा पूरा वीजा 30 लाख रुपए में वो मैनेज करने जा रहे हैं, ये 30 लाख रुपए से पूरे जिले को आप देखें अब सर 50-50 रुपए बांटे गए हैं सर, 50-50 रुपए वहां पे आवाम के दरमियान में जाके बांटे गए हैं और उसकी बाकायदा वीडियो बनाई गई है, तस्वीर की जा रही है कि हम 50 रुपए आवाम को दे रहे हैं सर। हाँ जी बिल्कुल, ये तो वजीर आलम शहबाज शरीफ ने 2000 रुपए देने का ऐलान किया था इसके कबल इंतलाब से पहले, तो उस 2000 रुपए में भी ये आलम था कि 500-500 रुपए उन्होंने कहा कि हम रखेंगे खराजात की मद में, और आम लोगों से हमने जब इंटरव्यू की तो उन्होंने कहा हमें यहाँ 1500-1500 रुपए मिले हैं, ठीक है 500-500 रुपए काटे गए, ये तो हाल है इंतजामिया का। और ये अफसोस की बात है कि ये जो रकम जो लोग जमा करते हैं भेजते हैं या हुकूमत के फंड में जमा कराते हैं वो जकात खैरात की रकम होती है, उस तक को नहीं छोड़ा जाता। ये रकम मैं तो नहीं समझता कि अब कोई आम आदमी तैयार है, जैसा कि अभी कल एक न्यूज मीडिया पर चल रही थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों जी अपील की विफाद ने कि भाई आप रकम आज भेजें हमारे फंड, तो वहां के रहनुमाओं ने कहा जब हमें किसी किस्म का वोट देने का हासिल या और दीगर हकूक हासिल ही नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके फंड में ये क्यों रकम भेजे, क्यों आप हमसे कहते हैं कि हम रकम वहां भेजे डॉलर की सूरत में, और जबकि वहां प्रॉपरली वो रकम तकसीम भी नहीं होती। अमीर साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, ये लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया अनवार साहब अमीर साहब ने कि जो रकम मांगी जा रही है इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी से, जिस शख्स से आपने वोटिंग का इख्तियार दे के छीन लिया हो, पहले तो था ही ना मिला और फिर छीन लिया, फिर आप उससे इस बात की तवक्को करते हैं कि वो आपके साथ शाना बशाना खड़ा हो, वो शायद किसी एनजीओ पे तो एतमाद कर सकता है लेकिन आपके इरादों पे कैसे एतमाद करेगा वो। देखें मुनीर साहब मसला ये है कि ये जो नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब वाली, इन्होंने आके वो इकदाम किए जो बाहर लोग बैठे थे उनको से सबसे पहला यह इख्तियार छीन लिया वोट देने का, उनको जो सहूलतें इमरान खान गवर्नमेंट ने दी थी तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने दी थी जो उनके लिए तमाम मामला तय किए थे, उनको बड़ी प्रायोरिटीज दी थी जो फॉरन के तमाम जो जितने पाकिस्तानी बैठे हैं बाहर, लेकिन वही सारे मामला इन्होंने आके खत्म किए, अब उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो चंदा दें वो उनकी हेल्प करें। हर जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया है बाहर बैठे पाकिस्तानियों ने हर किस्म की मदद की, आप यकीन करें आप मुनीर साहब सोच भी नहीं सकते वो मदद की। आपको नहीं लगता अनवार साहब के इस बार जो ये आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराई में कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट कराया जाए, उन्होंने मदद की बिल्कुल की है, सुप्रीम कोर्ट की सरबराई में कोई अकाउंट फंड क्रिएट करना चाहिए आपको लगता है? मुनीर साहब अरब ने भी की है, इसको भी आप माने, यूएई ने भी की है, सऊदी अरब ने भी की है, कतर ने भी की है, यमन तमाम मुल्कों ने हेल्प की है, चाइना ने भी की है, तुर्की ने भी की है हमारी हेल्प, सब मुल्कों ने हमारी मदद की, और अभी तो हमारे हुक्मरानों ने उनकी तरफ बढ़ाया भी नहीं था हाथ, तो अभी से चाइना ने मदद भेज दी है आपको पता है, तुर्की ने कहा है कि हम हेल्प करने को तैयार है, अरब ने कहा है, सऊदीया ने और तो यूएई ने कहा है कि हम मदद करने को तैयार, तो वो तो करेंगे, वो तो एज ए मुसलमान वो तो हमारी तकलीफ का एहसास कर रहे हैं, लेकिन सर माजद के साथ हमारे हुक्मरान हमारी आवाम का हमारी आवाम की तकलीफें नहीं देख पा रहे, जिसका घर खत्म हो गया, जिसका सब कुछ, जिसके बीवी बच्चे बह गए पानी में, वो सिसकियों से रोएगा नहीं, वो धाड़े मार के रोएगा नहीं, आप क्या रोने का हक भी छीन रहे हैं उससे, क्या जीने का हक, तो उसकी फैमिली तो खत्म हो गई, उसका घर भी खत्म हो गया, उसके बीवी बच्चे भी पानी में बह गए, लाखों लोग बह गए हजारों के हिसाब से, लेकिन आप ये कितना बड़ा आलमी है आप उसको रोने भी नहीं दे रहे, ये कितना बड़ा सानी है, ये मैं समझता हूं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानी है, जितना बड़ा। अनवार साहब ये अब गलबन अमीर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, प्रोग्राम का आखिरी लम्हे उलमात पे भी हैं, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि इस वक्त जो मनाजर हैं जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या इन सैलाब मुतासरीन लोगों को महज राशन पहुंचा देना, खाना पहुंचा देना काफ़ी होगा, टेंट पहुंचा देना काफ़ी होगा, क्योंकि उनको अब आबाद करना है, वो एक और लंबा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो ज़्यादा थकाने वाला प्रोसेस है, वो ज़्यादा एफर्ट वाला प्रोसेस है, वो ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मांगता है सर, उनको पूरी तरीके से स्टेबलाइज करना होगा। हमें आपने उनको ये जो एनजीओस काम कर रही हैं, सबसे पहली बात वो उनको सिर्फ खुराक पहुंचा रही है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब उसकी तरफ आ जाएं, जो अमल रेस्क्यू अमल की तरफ मैं बड़ी मेन पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूं, जिसकी तरफ आपने अभी आगाह किया,
दूसरा अमल है उनको टेंट देना, ठीक है। तीसरा अमल है उनको स्कूलों के अंदर आबाद करना। बख्ती तो अभी यही कर सकती है ना, मामला जो एनजीओ कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट का अभी तक कोई नहीं है। जो 33 लाख रुपए डीसी को दिए गए हैं वो अभी तक, वो जो आप बता रहे थे अभी, अभी साफ ही वहां के मुकामी कह रहे हैं, वहां मौजूद है, कि वो 150 रुपए लोगों को बांट रहे हैं। ये कितना बड़ा अलमिया, ये बहुत बड़ी, ये बाइस शर्म की बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डीसी के मामला हो गए। अभी जो 15 अरब रुपए का बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत वजीर आजम ने ऐलान किया है कि जिस सिंध के लोगों को दिया जाएगा और जनूबी पंजाब के लोगों को भी हेल्प की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा अमल है। इसको अभी, अच्छा उसके बाद ये नहीं कि अब सैलाब आ गया बह गया, लेकिन उसके बाद उनको रेस्क्यू का अमल भी करना है, उनको बहाल करना, उनकी जिंदगियों को, फौज जो है फिर से हमारी फौज उनको सेफ जगह पे पहुंचा सकती है। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, माजत के साथ आज प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करनी है लेकिन कर नहीं सकेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में रहने वाले हर एक शख्स, खासतौर पर सैलाब से मुतासर हर एक शख्स खैर वाफियत से, और जल्द अज जल्द उसको हम रेस्क्यू कर सके, इकट्ठे होकर एकजुट होकर हमें इस कौमी फरीजे के ऊपर यकजा होना पड़ेगा। आज के लिए अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।